धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। उन्हें पंचायती सिस्टम को याद करा, उन्हें गांवों को इकट्ठा करा, और ये नहीं कि एक गोत के लोग थे, उन्हें हर जाति को जोड़ा, बनी नहीं है, एक दायरा बनाया, उनसे खाप सिस्टम से जोड़ा, और उस टाइम से वो खाप पंचायत वो मुगलों के खिलाफ रही हो, वो शासन व्यवस्था के खिलाफ रही हो, यही खाप पंचायत को नागरिक जिसे मुकाबला दिया है और यही खाप पंचायत की आज जरूरत है। आज भी यही खाप पंचायत की जरूरत है। आप आपस में बटना मत, एक दूसरे खाप के खिलाफ भी आपके खिलाफ प्रचार करेंगे कि वो खाप आगे बढ़ेगी, उसका नाम ले लिया, उसको ऊपर बैठा दिया, उसको नीचे बैठा दिया। इनके बहकावे में मत आना। जब आंदोलन चला किसानों का, इन्होंने पंजाब और हरियाणा को बांटने की कोशिश करी, इन्होंने सरदार और नॉन सरदार को बांटने की कोशिश करी। सरदारों का हाथ पर यह कर दिया था कि 84 से भी भयंकर स्थिति होने वाली थी। ये पगड़ी के सवाल उठाया, इन्होंने पगड़ी पे हाथ डालने की कोशिश करी, आंदोलन खत्म कर दिया था। 28 तारीख में देश में कोई आंदोलन नहीं हो सकता था, देश में कोई आंदोलनकारी पैदा नहीं हो सकता था। ये जो हमारे गठबंधन के लोग हैं, जो 40 लोग हैं, मैं इनको दांत देता हूं, इनको सलाम करता हूं मैं, कि एक भी कमजोर कड़ी नहीं है। हमारा मंच भी वही रहेगा, हमारे पंच भी यही रहेंगे। फसलों के फैसले किसान करेगा, सरकार से फैसले पंच करेंगे। ना पंच बदले जाएंगे, ना मंच बदले जाएंगे। अभी जो नौजवान मेरा यहाँ पे है, इसने बिल वापसी की बात करी है, अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या होगा? काम हमें भी बहुत है, हम पूरे देश में जाएंगे। उनके पास में समय है, सरकार के बिल वापसी कर ले, एमएसपी पे कानून बना दे, हमारे जो लोग हैं उनको रिहा कर दो। धोखे से लाल किले पे लेके गए हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। धोखे से बुलाए गए हैं वहां पे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे लड़ के हमारे वापसी चाहिए। ये कहते हैं कि बेसिलत होकर मुकदमे है, कैसे वापसी होंगे? कानून हम बताएंगे कैसे वापसी होंगे। जिस तरह से अफगानिस्तान के गुंडों को अफगानिस्तान में छोड़ आए हैं, सम्मान से हमारे लोगों को दिल्ली के चाहट से उनके गांव छुटवा दो। नहीं छोड़ेंगे, न घर वापसी होगी, न ये खाप पे वापसी हटेगी। आपका सहयोग चाहिए, ये बर्बाद होंगे मोदी सरकार। हम पूरे देश में जाएंगे, सारे जत्थेबंदी जाएगी, पूरे देश में अलग जगाने का काम करेंगे। बिल 3 नहीं है, बिल 400 बिल है। आपकी जमीन ले जाएगी, इस जवान के मिट्टी से जोड़ने का काम करना पड़ेगा। जो जवान अपने खेत में नंगे पैर नहीं चल सकता, वो जमीन बेचेगा। अपने बालकों का कॉन्टैक्ट अपने खेत की मिट्टी से करो, जब भी आपकी जमीन बच सकती है। देश में 30 लाख लोगों ने आत्महत्याएं करी, ज्यादा नहीं करी, 30 लाख लोगों ने आत्महत्याएं करी। आंकड़े गलत दिए गए, किसी बूढ़े आदमी ने आत्महत्या करी? ये आंकड़े में है जिसके नाम जमीन थी, जिसका पीएम हुआ, वे आंकड़े नहीं दिए कि बाबा के नाम जमीन है और पोते उसके लड़के को अपनी लड़की की शादी करनी थी, आत्महत्या उसके लड़के ने करी। उसके नाम जमीन नहीं थी, आत्महत्या जिसने करी उसको किसान नहीं माना गया। महिलाओं ने आत्महत्या करी, उनको किसान नहीं माना गया, गूगल के नाम जमीन नहीं है। आंकड़ा 30 लाख लोगों का है, आंकड़े को झुठलाया गया, पीएम नहीं हुआ। धोखे से इनको तिरंगे से कोई मोहब्बत नहीं है, इनको ये व्यापारी की सरकार है। ये कहावत है मेरे गांव की, हमारे गांव में कहावत है कि व्यापारी चमड़ी दे देगा, दमड़ी नहीं देगा। ये भूख पे, ये भूख के सौदागर है। जितनी भूख लगेगी अनाज की उतनी ही कीमत बढ़ाएंगे, अनाज तिजोरी में बंद नहीं होगा। ये जन आंदोलन है, ये फैल नहीं होगा। अपने साथ में गरीब लोगों को जोड़ो, वे रोते हैं, अनाज तिजोरी में बंद हो जाएगा। जिस तरह की बैरिकेटी लगाई गई है, बंदर भी रोटी नहीं ला सकता, अंदर से बंदर भी रोटी नहीं ला सकता। आदमी की तो क्या मजाल है, हमने 2 ट्रक वहां पे मिट्टी डाल दी, उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। अपने गांव के लोगों को कहो कि दिल्ली के आंदोलन में जाओ, हो सके कि आए ना आए, उसको अगर गांव याद आएगा तो अपने गांव की मिट्टी को उठाकर देखेगा, उसके 10 साल उसी में होंगे। उसको गांव याद नहीं आएगा
कल आई थी हमारी मिल गई थी मिलने, दो आदमी हमारे पास में बच्चे में थे, वे कहने लगे जी घर साहब से मिलने आए, हम बाहर चले मकाना बाहर नहीं लाओगे, जो बात होगी विटनेस के सामने होगी। हमने पूछा कि बताओ क्यों आए, और हम तो ऐसे ही पता लेना है, मगर जो भी है इनके सामने बताओ, मुझे कच्चा मत करो, जब तक ये कानून वापसी नहीं होने हम मुजफ्फरनगर की सीमा में घर वापसी नहीं जाएंगे। ये किसान भी नहीं रहेगा, पूर्ण रूप से 40 लोगों पर आपको विश्वास करना होगा, इनके पीछे 550 लोग हैं, सारे गठबंधन हैं, उसके पीछे खाप पंचायतें हैं, उसके बाद में सारी बिरादरियां हैं, वे सारी बिरादरियों का संगठन है, इसको जांच वर्सिज करने की कोशिश हम कुछ लोग करेंगे, नहीं होना, ये सारी बिरादरियों का संगठन है, बैठने की होने की जरूरत नहीं है, ये नौजवानों का संगठन है, आपको संयम से काम लेना होगा, आपको भड़काने का काम करेंगे, आपको सिख नॉन सिख में बांटने का काम करेंगे, वो फेल होगा पूर्ण रूप से, इनको देश से लगाव नहीं है, देश टूट जाए उसका कोई फर्क नहीं इनका पड़ता, इन्हें तिरंगे को लेकर कहा कि भावनात्मक रूप से तिरंगे का अपमान दिखाते इनको पीछे हटाओ, हमारा मनोबल दो दिन तोड़ा गया, ये एक बड़ी साजिश थी, दो दिन के बाद में हमारा किसान भी वही है, हमारा मजदूर भी वही है, हमारे सरदार भाई भी वही है, हम किसी भी कीमत पर सरदारों को नहीं छोड़ सकते, इनसे बढ़िया कौम इनसे बढ़िया गठबंधन भी नहीं सकता, हम दानपुर कर सकते हैं लेकिन हमारे पास खियाबंदी नहीं है, दानपुर कर देंगे हम बहुत कर देंगे, लेकिन जो खियाबंदी है ये खियाबंदी अपनी बार भी नहीं है, किसी भी हालात में सरदारों को नहीं छोड़ना, ये जो खियाबंदी है इनको नहीं छोड़ना, कोई ताकत नहीं है कि हमको सबका अलग कर देंगे, नहीं हो सकते हम अलग, न खाम पंचायत अलग होगी न किसान अलग होगा, ये कहते हैं खाम पंचायत का क्या मतलब, गांव पंचायतों की जो आमदनी है वो किसान है, वे सब खेती करने वाले लोग हैं, ये लोग नहीं होंगे इस आंदोलन से, और बहुत बड़ा सहयोग गांव पंचायतों का मिला है, जब जब भी देश में मुसीबत आई, जब जब भी आक्रमण हुए, जब जब भी किसान संगठनों को जरूरत पड़ी, जब जब भी सिसोदी में जब आक्रमण हुआ 23,000 पोस्ट थी सिसोदी के अंदर, गांव पंचायतों ने ही मदद करी, 1,00,000 से ज्यादा आदमी 23,000 पुलिस वालों को उसमें थे, मैं जो यहाँ के विधायक जी है जो चौथ साहब है यहाँ के इनका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा कि इतना सब लोगों को जोड़ने का यहाँ पर काम करा, सारे खापों को यहाँ पर जोड़ने का काम करा, और जो नौजवान है उनसे एक ही चीज चाहिए, उनसे चाहिए कि जो गुस्सा है गुस्से को त्याग दो, जब जरूरत पड़ेगी जब उसका इस्तेमाल करेंगे, आप हाथ आके आश्वासन दो कि आपका जितना भी गुस्सा है वो गुस्सा आप हमको दोगे, अच्छा हमको पर्यावरण बचाना है, आज बहुत बड़ी एक त्रासदी हुई है, आप लोग यहाँ पे हो आपको नहीं उसकी जानकारी है, जमल्ली के अंदर उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटते हैं, वहां पर जो रिपोर्ट पे है वो 50 से 60 लोग अब इसमें मारे जा चुके हैं, और हरिद्वार का उम्मीद है कि उसका पानी बहुत स्पीड से तबाही मचाता हुआ श्रीनगर से आगे 2 घंटे पहले वो पानी पहुंच चुका था, बहुत भयंकर तबाही मचाता हुआ पानी आ रहा, और द्वारा पूरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलर्ट कर दिया गया सब जगह, हमने भी अपने लोग कह दिया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट के लोग संगठन के लोग वहां पे हैं हर संभव हम मदद करेंगे, प्रशासन के साथ में मिलकर लोकल लोगों के साथ में मिलकर वहां पर पूर्ण रूप से वो एक बहुत भयंकर तबाही हो रही है, हो सकता है कि रात तक किसी भी समय तक वो पानी हरिद्वार तक टच कर जाए, आगे क्या होगा कितना पानी है उसके लिए हमको मौन रखना पड़ेगा बाद में, और ये समझ लेना कि जो नौजवान अपने खेत में जूते पहन के जाता होगा, जिसको अपने खेत की मिट्टी से डर लगता होगा, जिसको पशु के गोबर से बदबू आती होगी, उसका बाप समझ लेना कि वो अपनी जमीन बेचेगा, उसका टच करो उस बॉडी से, उसकी बॉडी से जमीन को टच करो, अपने घरों में अपने खेत की मिट्टी रखो, अपने खेत का पानी रखो, इस आंदोलन को बचाने का काम किसने किया, इस आंदोलन को बचाने का काम किया जल ने, उस आंदोलन को बचाने का काम किया पानी ने, उस पानी की पूजा करो, उस पानी को व्यस्त मत छोड़ दो, अपने यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, वर्षा होगी तो हमारे खेतों में फसलें बढ़िया होगी,
हमको बहिष्कार करना होगा कुछ चीजों का। हम कंपनियों का प्रोडक्शन बढ़ा रहे, हम दूध नहीं पीते। ये जो हरियाणा जो पूरा क्षेत्र था ये तो दूध का सेवन करता था, आज हम गाँव में चले गए। हम गाँव में जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक आ गई, किसी को पता है कहिया बनती है। आपने दूध छोड़ दिया, आमदनी कैसे दुगुनी होगी? जब आप दूध पियोगे, खेत में उत्पादन चीज का इस्तेमाल करोगे तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। कंपनी से बने हुए चीज का इस्तेमाल करोगे तो व्यापारी मालामाल होगा। ये व्यापारी भूख कितनी लगेगी उसी हिसाब से कीमत बढ़ाएगी। अनाज तिजोरी में बंद होगा, गरीब आदमी मरेगा, मीडिया सिस्टम खत्म होगा। हमारे तीन बड़े डिमांड है, तीन भी वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने, हमारे बच्चे जेल उछलिया हो, ये हमारे आंदोलन के मुद्दे होंगे। संयुक्त मोर्चे की तरफ से हमको जहां जाया जाएगा वहां हमको बुलाएंगे, हम सब लोग वहां पर जाएंगे। राज्यपाल जी हमारे बड़े लीडर है, बहुत सूझबूझ से ये अपना काम करते हैं। हो सकता था कि अगर हम वहां पर होते तो हमें और लोग होते जितनी मजबूती से हमने काम करा है, मुझे इस तरह के नेता कभी नहीं मिले। मैंने बहुत नेताओं के साथ काम करा, जितने मजबूत ये गठबंधन मिला है ये कोई हमारे नहीं है। हमको पता है कि हमको बहुत नुकसान होगा, लेकिन हो जान दो, जो लोग भी यहाँ पे आए हैं उनको बहुत नुकसान होगा, उनको नोटिस जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, ये लड़ाई किसान की आजादी की लड़ाई है, हम इसको लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, खास पंचायत का बहुत धन्यवाद, हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद।